वेलकम गाइस टू गेमिंग नर्सरी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का मैच होने जा रहा है टीम गेम ऑफ थ्रोन्स और टीम मनी हिस्ट के बीच में। टीम गेम ऑफ थ्रोन्स में होंगे जॉन स्नो और आर्य स्टार्क, टीम मनी हिस्ट में होंगे टोक्यो एंड प्रोफेसर। जो टीम अपने ओपोनेंट को ज्यादा बार पिन करेगी वो होगी विजेता। ऊपर स्कोर डिस्प्ले हो रहा है, तो चलिए चलते हैं रिंग में। कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अरे रिंग में है टोक्यो और आर्य स्टार्क। अरे भाई स्टार्टिंग में ही फिनिशर पड़ गया आर्य स्टार्क को, तो क्या पिनफॉल होने वाला है? 1 2 ओ भाई आर्य स्टार्क ने कर दिया है किक आउट, बच गए टोक्यो। भाई बहुत खतरनाक प्लेयर है, शुरुआत में ही फिनिशर दे डाला आर्य स्टार्क को। रेफरी फालतू में उंगली मत कर किसी को, हमें मैच देखने दे। तो गाइज जल्दी से हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो गाइज मैच के शुरुआत से ही गहमागहमी शुरू हो चुकी है। आज के मैच में हमारे वो टकलू रेफरी हमने नहीं लिया है। आर्य स्टार्क वापसी करते हुए, जॉन स्नो भी वेट कर रहे हैं। आर्य स्टार्क भाई पूरी मुस्तैदी और पूरी चुस्ती के साथ, ओ भाई फिनिशर एक एक दिया तो सबको। टोक्यो ने बिना देरी करते हुए अपना फिनिशर आर्य स्टार्क को चिपका दिया। अब देखते हैं कि पहला पॉइंट किसका बनेगा। एक एक फिनिशर सभी के पास है, तो देखते हैं कि पहला पॉइंट कौन बनाने वाला है। तो पिनफॉल होगा क्या? रेफरी काउंट करने वाला है 1 2 3 और इसी के साथ ही टीम गेम ऑफ थ्रोन्स ने पहला पॉइंट बना लिया है। अब देखते हैं कि टीम मनी हिस्ट क्या करती है। तो अब आ चुके हैं रिंग में जॉन स्नो और प्रोफेसर। भाई जबरदस्त मैच होने वाला है। अरे भाई जॉन स्नो ने भाई उछल उछल के मार रहे हैं प्रोफेसर को। अरे भाई रिंग टूट जाएगा, रेफरी थोड़ा समझाओ इनको। अभी 20 मिनट का मैच है। 20 मिनट के मैच में जो सबसे ज्यादा स्कोर बनाएगा वो आज की टीम होगी विजेता। आज देखना है कि कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक है, टीम जॉन स्नो। जॉन स्नो अपनी तलवार नहीं लेकर आए और भाई इन्होंने भी दे दिया फिनिशर। क्या पिनफॉल होने वाला है? 1 2 3 और भाई इसी के साथ ही टीम गेम ऑफ थ्रोन्स के हो चुके हैं 2 पॉइंट। टीम गेम ऑफ थ्रोन्स आगे निकल चुकी है। प्रोफेसर क्या कर रहे हो, क्यों मार खा रहे हो? ओ भाई एक और फिनिशर। 3 पॉइंट्स होने वाले हैं क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के? क्या भाई पिनफॉल होगा? ओ भाई पिनफॉल के लिए जाते हुए रेफरी 1 2 3 ओ भाई एक के बाद एक 3 पॉइंट गेम ऑफ थ्रोन्स की टीम ने बना लिए हैं। और रिंग में एंटर हो चुकी है आर्य स्टार्क। और अब देखते हैं कि अब अगला पॉइंट कौन बनाएगा। भाई 3 पॉइंट बना के गेम ऑफ थ्रोन्स की टीम ने एक बढ़त बना ली है। 17 मिनट का खेल अभी बाकी है। अब टोक्यो मैच में वापसी करते हुए ओ लेकिन भाई आर्य स्टार्क बहुत चालाक है। गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्य स्टार्क ने नाइट किंग को भी सटका दिया था। तो अब टोक्यो क्या टिक पाएंगे आर्य स्टार्क के सामने? प्रोफेसर भाई हर चीज को हैक करने में उस्ताद हैं, तो क्या आज वो हमारे इस मैच को हैक कर पाएंगे? भाई देखते हैं। टोक्यो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा काम करते हुए, कोशिश करते हुए कि एक पॉइंट बनाया जाए। जॉन स्नो ने आते ही 2 पॉइंट बना दिए। फिनिशर आ चुका है टोक्यो के पास। जॉन स्नो भाई आज अपनी वलेरियन स्टील की तलवार लाना भूल गए हैं लगता है, क्योंकि आज के मैच में अलाउड नहीं थी। अलाउड थी क्या? अगर नो डिस्क्वालिफिकेशन होता तो क्या? अरे भाई ओ भाई टीम फिनिशर, दोनों को एक साथ फिनिशर पड़ने वाला है, जॉन स्नो और आर्य स्टार्क को। प्रोफेसर फिनिशर देते हुए, ओ भाई मुझे लगता है कि पहला पॉइंट बनने वाला है। 1 2 3 ओ भाई टीम मनी हिस्ट ने बना लिया है अपना पहला पॉइंट। प्रोफेसर के पास एक और फिनिशर है क्या? जी हाँ प्रोफेसर के पास एक और फिनिशर है, सिग्नेचर भी आने वाला है। तो देखते हैं कि अब अगला पॉइंट कौन बनाता है। अभी तक स्कोर हुआ है टीम गेम ऑफ थ्रोन्स 3, टीम मनी होस्ट 1। तो क्या टीम मनी हिस्ट वापसी कर सकती है अभी? 1 2 3 अरे भाई स्कोर लगभग बराबर होने वाला है, टीम गेम ऑफ थ्रोन्स 3। ओ भाई ये प्रोफेसर भाई कितने टाइप के फिनिशर लेके आए हैं आज, आर क्यों भी दे रहे हैं।
ओ भाई लगता है इन्होंने आज का मैच हैक कर लिया है गाइस। रेफरी भाई बाहर जा रहा है। हाँ एक चीज और मैं आपको बताता हूं, फॉल्स काउंट एनीवेयर, रिंग के बाहर भी पिनफॉल हो सकता है गाइस, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आर्य स्टार्क बचाने नहीं आए हैं अपने साथी को। प्रोफेसर भाई लगातार जॉनसनो की हेल्थ को बिल्कुल खत्म कर दिया है इन्होंने, और एक वक्त पर जब टीम मनी हिस्ट के प्लेयर्स की जो हेल्थ थी वो बिल्कुल डाउन थी, उन्होंने अपनी हेल्थ को कर लिया है रिगेन। प्रोफेसर कहां चढ़ रहे हो रिंग के, अरे ओ भाई फिनिशर आ चुका है प्रोफेसर के पास। पिनफॉल होगा क्या, 1-2, अरे आर्य स्टार्क भाई पीछे रह गई। स्कोर हो चुका है बराबर 3-3। टीम मनी हिस्ट और टीम गेम ऑफ थ्रोन्स का स्कोर हो चुका है बराबर। भाई क्या ये टेबल तोड़ेंगे क्या। प्रोफेसर भाई अपनी खतरनाक फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने एक के बाद एक 3 पॉइंट बनाकर अपनी टीम को बराबरी पर। अरे ये नंबर 4 कैसे मिल गया गेम ऑफ थ्रोन्स को रेफरी, अरे काउंटिंग क्यों कर रहा है भाई, फॉल्स काउंट एनीवेयर है, अब ये रेफरी क्यों काउंट करने लगा। अरे भाई मुझे नहीं पता ये मैच में क्या गड़बड़ हुई, कोई पिनफॉल नहीं हुआ, फिर भी गेम ऑफ थ्रोन्स को एक पॉइंट मिल गया। अब फिर से कोई, अरे भाई 1-2-3, अरे भाई जॉनसनो बचा लेते भाई आर्य स्टार्क को, क्या कर रहे हैं आपके सामने। पिनफॉल होने जा रहा था एक बार फिर से, स्कोर है बराबरी पर 4-4, 1-2। ओ भाई आर्य स्टार्क ने कर दिया है किक आउट, बच गए। स्कोर भाई बराबरी पे है, मैच पूरी टक्कर का है, लगभग 13.5 मिनट अभी बाकी है। रोप्स के ऊपर चढ़कर बहुत छलांगे मार रहे हैं दोनों ही प्लेयर। टोकियो का गाना बेला चाओ, तो आप देखते हैं कि बेला चाओ कौन करेगा, प्रोफेसर या फिर जॉनसनो। जॉनसनो का नाम जॉनसनो से भी मिलता है भाई, उनका नाम है जॉनसनो और यह जॉनसनो, तो क्या जॉनसनो और जॉनसनो का मैच भी करवा देना चाहिए। आर्य स्टॉक को क्या हो गया है, टीम गेम ऑफ थ्रोन्स की हालत थोड़ी पतली लग रही है भाई। प्रोफेसर ने बहुत अच्छी वापसी की है और उनका साथ दिया है टोकियो ने, पंच पे पंच पड़ते हुए आर्य स्टॉक को। आर्य स्टॉक आपको क्या हो गया है, वापसी करनी होगी आपको, सिर्फ 12.5 मिनट का खेल बाकी है। बहुत अच्छा मैच चलते हुए गाइस, मजा आ गया आज के मैच में। आप जल्दी से हमारे चैनल को, जो नए आए हैं हमारे चैनल पर वो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओ भाई क्या गेम ऑफ थ्रोन दोबारा से वापसी करेगी, तो गाइस आपके हिसाब से आज कौन सी टीम जीतने वाली है, टीम मनी हिस्ट या फिर टीम गेम ऑफ थ्रोन्स। अरे अरे भाई पिन, फिर से पिनफॉल होने वाला है क्या, जॉनसनो किधर हो, 1-2-3 और जॉनसनो हो गए हैं लेट। टीम मनी हिस्ट ने अपना 5वां पॉइंट बना लिया है, टीम गेम ऑफ थ्रोन्स पीछे रहती हुई, तो क्या अब टीम गेम ऑफ थ्रोन्स रिकवरी कर पाएगी। प्रोफेसर के पास एक फिनिशर है, टोक्यो के पास सिग्नेचर है, आरिसाक के पास फिनिशर है, लेकिन यह बात समझ नहीं आ रही कि फिनिशर क्यों नहीं लगा रही। टोक्यो उनको फिनिशर लगाने ही नहीं दे रही है। आर्य स्टॉक की हेल्थ बिल्कुल खत्म कर दी है। ओ भाई रेफरी को ही टक्कर मार दिया आर्य स्टॉक ने। ओ भाई इतनी ठंड में घुटनों पर पड़ा स्टील स्टेप टोक्यो के। दर्शक भी मैच का आनंद लेते हुए, क्या फिर से पिनफॉल होने वाला है गाइस, 1-2-3 और भाई इसी के साथ ही टीम गेम ऑफ थ्रोन्स ने कर ली है बराबरी स्कोर की 5। तो गाइस बहुत मजेदार हो चुका है मैच, कांटे की टक्कर चल रही है, कोई भी टीम पीछे रहने की सोच ही नहीं रही है। अगर एक टीम आगे निकल जाती है तो दूसरी टीम वापस अपने नंबर उसके बराबर ही कर लेती है। भाई सिग्नेचर पड़ गया आर्य स्टॉक को, रेफरी भाई तू परेशान हो जाएगा काउंट करते करते, 1-2-3 और भाई टीम मनी हिस्ट के हो चुके हैं 6 पॉइंट और टीम गेम ऑफ थ्रोन्स रह गई है 1 पॉइंट पीछे। अब टीम गेम ऑफ थ्रोन्स की बारी है, क्या वो स्कोर की बराबरी कर पाएंगे। वापसी आते हुए रिंग में प्रोफेसर, ओ
ओ भाई फिर से एक बार फिर से टीम फिनिशर पड़ने वाला है गेम ऑफ थ्रोन्स टीम को। ये अच्छी बात नहीं है टीम गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए। एक और पॉइंट भाई बनने वाला है, 1 2 3 और इसी के साथ टीम मनी हिस पहुंच चुकी है 0.7 पे। 10 मिनट का खेल बाकी है। ये प्रोफेसर भाई कितने टाइप के फिनिशर लेके आए हैं। एक और 1 2 ओ भाई जॉन सीना ने भाई पता नहीं कैसे किक आउट किया। मजेदार भाई मजे आ गया है मैच देख के। प्रोफेसर ने भाई आते ही पॉइंट पे पॉइंट बनाते चले जा रहे हैं। जॉनसन को क्या हो गया है और ये ना जाने भाई किस तरह के फिनिशर लेके आए हैं प्रोफेसर। 1 2 3 ओ भाई 8 पॉइंट, 3 पॉइंट का डिफरेंस बना दिया है टीम मनी हिस ने। अब क्या टीम गेम ऑफ थ्रोन्स इस डिस्टेंस को पार कर पाएगी भाई। देखते हैं अब क्या होने वाला है। टीम गेम ऑफ थ्रोन्स की हाल बहुत खराब है। एक और ओ भाई मजा आ रहा है भाई गेम देख के। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ये जॉन स्नो को आज क्या हो गया है, लगता है वो कुछ खा के नहीं आए हैं। आज तो टकलू रेफरी भी नहीं है मैच में मनहूसियत फैलाने के लिए। लगता है अब ये कुछ वापसी करेंगे भाई। एक फिनिशर है जॉन स्नो के पास और एक सिग्नेचर बस आने वाला है। प्रोफेसर स्टंड होने वाले हैं भाई। टोक्यो की हेल्थ काफी अच्छी है, प्रोफेसर की हेल्थ इतनी भी डाउन नहीं है कि उनको पिनफॉल हो जाए। बॉडी सबकी ऑरेंज है, टोक्यो की बॉडी येलो हो चुकी है। ओ भाई बड़ा खतरनाक। अरे अरे भाई जॉन स्नो कैसे डांस कर रहे हो, एक पॉइंट तो बना लो पहले, डांस उसके बाद में कर लो। 1 2 प्रोफेसर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। जॉन स्नो आपके पास फिनिशर है भाई, आप फिनिशर लगाओ। आपके पास दो दो फिनिशर आ चुके हैं, वो फिनिशर किस दिन के लिए बचा के रखे हैं आपने। तो भाई मैच में बहुत टफ हालत है टीम गेम ऑफ थ्रोन्स की। 3 पॉइंट पीछे हैं अभी टीम मनी हिस्ट आगे है, उनके जीतने के चांसेस हैं। 8 मिनट बाकी हैं और जीतने के लिए आपको ज्यादा पॉइंट्स बनाने। ओ स्पियर, क्या पिनफॉल होगा। 1 2 ओ भाई टोक्यो ने बचा लिया भाई, वरना 1 पॉइंट टीम गेम ऑफ थ्रोन्स को मिल जाता। टोक्यो ये चीटिंग है, ऐसे मत करो। तो जॉन स्नो चले वापस आर्य स्टॉक के पास। आर्य स्टॉक हो चुकी है रिंग में एंटर और आ चुकी है टोक्यो। अब देखते हैं कौन किसके ऊपर। ओ भाई ये तो उछल उछल के मार रही है आर्य स्टॉक को। क्या पिनफॉल होने वाला है। जॉन स्नो आ रहे हैं बचाने के लिए, मारेंगे क्या। अरे अरे ये क्या किया भाई जॉन स्नो ने, बचा लिया भाई, वरना 1 पॉइंट और बच जाता। 1 पॉइंट और होने वाला था भाई। स्टाइल मारते हुए टोक्यो, फिनिशर है आर्य स्टॉक के पास, वो फिनिशर क्यों नहीं दे रही है। व्हाई पूछता है भारत, क्यों फिनिशर नहीं दे रहे हैं आप। सिर्फ 7 मिनट का खेला शुरू, 7 मिनट का खेला बाकी है। आर्य स्टॉक ये कर क्या रहे हो भाई, अब बाहर आके मार खाओगे क्या। आर्य स्टॉक कोशिश करते हुए अपनी टीम को वापस एक स्कोर की बराबरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हुए। फिनिशर है उनके पास, सिग्नेचर है, ये फिर से टोक्यो को फेंक दिया बाहर। लेकिन कुछ ओ भाई मूव देखा आपने, जैसे नाइट किंग के ऊपर चाकू लेकर धावा बोला हो आर्य स्टॉक ने। जिस भाई ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है वो भी देख ले, बहुत लंबी सीरीज है और मनी हिस्ट उससे भी बढ़कर। अरे भाई सिर्फ 6 मिनट का खेल बाकी है और 3 पॉइंट बनाने हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बराबरी होगी। 1 2 टोक्यो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, हार मानने वाली पार्टी ये नहीं है, ये हार मनवाने वाली पार्टी है। ओ भाई अब क्या। 1 2 3 ओ सिर्फ 2 पॉइंट्स का गैप है। प्रोफेसर आ रहे थे बचाने के लिए लेकिन काफी दूर रह गए, उनको बाइक से आना चाहिए था। एक और ओ तो गाइस जो हमारे चैनल पर नए आए हैं कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ओ भाई आर्य स्टॉक ने कर दिया किक आउट, वरना टीम मनी हिस पहुंच जाती 9 पर। सिर्फ 5 मिनट का खेल बाकी है।
रेफरी, ओ भाई टोक्यो तो रेफरी को भी मारना चाहता, ओ भाई रेफरी को मार दिया टोक्यो ने, ओ भाई टोक्यो तो बहुत चालाक है भाई, बहुत ज्यादा। देखा गाइस आपने भाई, ये मनी हिस्ट वाले कुछ ज्यादा चालाकी खेल रहे हैं, लेकिन आर्य स्टार्क बहुत बहादुर है। रेफरी काउंट करो 1 2 3 और इसी के साथ ही भाई टीम गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ एक पॉइंट पीछे है टीम मनी हिस्ट के स्कोर से। सिग्नेचर है आर्य स्टार्क के पास, तो क्या वो सिग्नेचर देकर, ओ नहीं, लेकिन वो सिग्नेचर नहीं देने जा रही है, वो उस देने जा रही है टैग। ओ जॉन स्नो 1 2 3, ओ भाई 3 नहीं हुए, प्रोफेसर ने किट काउंट कर दिया, आते ही फिनिशर लगाया था जॉन स्नो ने। अब मुक्कों की बरसात होते हुए एक और स्पियर भाई, अब की बार तो पिनफॉल हो जाएगा, बचाने के लिए आएगी टोक्यो 1 2 3, और इसके साथ ही दोनों का स्कोर फिर से हो चुका है बराबर, और सिर्फ 4 मिनट का खेल बाकी है। गाइस मैच बहुत बराबर हो चुका है, कांटे की टक्कर। जॉन स्नो भाई रस्सी के ऊपर चढ़ के कूदने की तैयारी जॉन स्नो ने की है, मैच में वापसी एक बार फिर से, और आर्य स्टार्क ने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया है। प्रोफेसर फिर से रिवर्स करते हुए स्टन होने वाले थे, ये टोक्यो कहां जा रही है भाई, अरे खतरे में जॉन स्नो 1 2, ओ टीम मनी हिस्ट पहुंच चुकी है 9 पे, अब टीम गेम ऑफ थ्रोन सिर्फ एक पॉइंट पीछे है, तो क्या अब आर्य स्टार्क बनाएंगी एक पॉइंट जो गैप है भाई। अरे भाई फिर से पिनफॉल, टीम मनी हिस्ट पहुंचने वाली है 10 पे, जॉन स्नो ने बचा लिया, वरना ये मनी हिस्ट की टीम पहुंच गई थी डबल फिगर में। प्रोफेसर भाई रिंग में क्या करने आए हैं, पहले ही आगे चल रहे हैं, वो अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं, सिर्फ 3 मिनट का खेल बाकी है, टोक्यो स्टाइल मारते हुए। ओ भाई फिनिशर है टोक्यो के पास, सिग्नेचर भी है, आर्य स्टार्क के पास एक सिग्नेचर है, प्रोफेसर के पास एक फिनिशर है। ओ भाई जबरदस्त मूव आर्य स्टार्क की तरफ से, सिर्फ एक पॉइंट पीछे है, रेफरी काउंट करो 1 2 3, ओ भाई इसी के साथ ही स्कोर हो चुका है एक बार फिर से बराबर 9 एंड 9। प्रोफेसर आ चुके हैं मैदान में, तो भाई आज के मैच में क्या होगा मुझे भी नहीं पता है भाई, बहुत मजा आ रहा है मैच देख के, सिर्फ 2.5 मिनट का गेम लगभग बाकी है। प्रोफेसर अपने कॉर्नर से बाहर जाके, ओ भाई पिन फॉल के लिए जा रहे हैं, रेफरी किधर है भाई तू, आर्य स्टार्क आ गए हैं बचाने के लिए 1 2, ओ भाई साइड में से निकल गई, ओहो टीम मनी हिस्ट पहुंच चुकी है डबल फिगर में। आर्य स्टार्क चाहती तो अपना ये पॉइंट सेव कर सकती थी, लेकिन वो साइड में से निकल गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारी टीम हारे या जीते, सिर्फ 2 मिनट का खेल है बाकी, एक पॉइंट पीछे है गेम ऑफ थ्रोन्स की टीम। ओ भाई एक और फिनिशर भाई, इनको पढ़ने में कितने टाइप की फिनिशर लेके आए हैं प्रोफेसर, ओ भाई ये तो किक भी दे रहे हैं, सुपर किक भाई, इन्होंने सच में आज हैक कर लिया हमारे मैच को। ओ लगा फिनिशर जॉन स्नो हुए स्टंड, आर्य स्टार्क बचा लो इनको, अरे भाई बच गए। अरे भाई तो गाइस देखते हैं कि अब क्या होगा मैच में, जॉन स्नो रिवर्स करते हुए, सिर्फ 1.5 मिनट का खेल है बाकी, और अब ओ भाई ये पड़ी लात, फिनिशर नहीं था गाइस, रेफरी पिन करते 1 2 3, और भाई इसके साथ ही 1 मिनट का खेल बचा हुआ, और तो दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं 10 और 10 के स्कोर पे भाई, लास्ट मिनट है, कुछ भी हो सकता है, एक एक पॉइंट भारी पड़ने वाला है, एक एक पॉइंट, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है मैच, 1 मिनट 20 सेकंड का मैच है बाकी, प्रोफेसर होने वाले हैं स्टंट, जॉन स्नो के पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों आने वाला है, प्रोफेसर के पास सिग्नेचर फिनिशर है, तो अब देखते हैं भाई। ओ प्रोफेसर, अरे जॉन स्नो भाई इतना अच्छा मोमेंटम था आपने क्यों छोड़ दिया, अब आर्य स्टार्क आ चुकी है, अरे ओ भाई अब मिस कर गई आर्य स्टार्क, अब टोक्यो उनको धोते हुए फिनिशर के साथ, और सिर्फ 50 सेकंड का खेल बाकी है। जॉन स्नो कहां जा रहे हो, अपनी टीम के मेंबर को बचाओ रेफरी, तुझे ज्यादा जल्दी है काउंट करने की, और इसके साथ ही 46 सेकंड का गेम बाकी है, एक पॉइंट आगे है टीम मनी हिस्ट। तो भाई क्या आखिरी मैच, आखिरी
सेकंड्स में मैच पलटेगा क्या? एक और फिनिशर है भाई इनके पास, फिनिशर सिग्नेचर की भरमार है आज के मैच में। सिर्फ एक पॉइंट पीछे है, एक और फिनिशर पड़ा। 25 सेकंड पिनफॉल के लिए जाते हुए, बहुत मुश्किल हो चुका है अब टीम गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए। सिर्फ 17 सेकंड का खेल बचा है और अभी तक आर्या स्टार्क की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सिर्फ 10 सेकंड, 9, 8, 7, सिर्फ एक पॉइंट आगे है गाइस टीम मनी हिस्ट। 3, 2, 1 और इसी के साथ ही आज की विजेता है टीम मनी हिस्ट। तो गाइस ये मैच आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है गेमिंग नर्सरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।